हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर्स दिस 6.18, इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, दिस एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, दिस एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू में ए एन बाई ए डी। ठीक है, तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले तो देखो आपके पास क्या क्या गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन है आपके पास एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। तो टू प्रूव क्या करना है आपको इसके अंदर, टू प्रूव करना है ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ए एम बाई ए बी, ए एम अपॉन में दिस ए बी एंड दिस ए एन अपॉन में दिस ए डी। ठीक है, तो अब ये ए एम अपॉन में ए बी पूरा लिया हुआ है इसमें, है ना। हमने तो ऐसा देखा है ए एम अपॉन में एम बी होता है या ए एन अपॉन में एन डी। यहाँ तो क्या हो रहा है, ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो देखो जरा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो ना। देखो मैं अगर यहाँ पर आपको एक समझाऊँ, यहाँ पर ये देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये लाइन रही डी और ई, ये पैरेलल है लाइन्स डी पैरेलल टू बी सी, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है, ऐसा ही सुना है हमने। ठीक है, तो क्या ये ऐसे नहीं हो सकता ए बी बाय या ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ई सी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये भी, देखो कैसे, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो ये अगर टू है, ये सिक्स है, ये आपके पास थ्री है और ये रहा नाइन। ठीक है, तो देखो जरा इसको हम यहाँ रखते हैं, टू बाय सिक्स इक्वल टू थ्री बाय नाइन। ठीक है, वन बाय थ्री और ये भी कितना आ रहा है, वन बाय थ्री, ये रेशो बराबर आ रही है, वन बाय थ्री वन बाय थ्री। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अब ऐसे लिखूँ, ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ऐसे लिखूँ तो ये क्या सही नहीं है बात, अगर यहाँ पर ऐसे लिख लूँगा मैं कि ये ए डी अपॉन में टोटल का ए बी और ए ई अपॉन में पूरे टोटल का ए सी, ये सही नहीं है। सही है, देखो कैसे, ए डी की वैल्यू देखो कितनी है, टू है और ए बी ये पूरा टू प्लस सिक्स कितने हो गए, एट इक्वल टू ए ई कितना है, थ्री, और ये ए सी देखो पूरा कितना है, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व। तो देखो ये भी रेशो कितनी आ रही है, वन बाय फोर, और ये भी कितनी आ रही है, वन बाय फोर, तो ये भी इक्वल होती है। तो ये लिख सकते हैं हम कि ये अपॉन में ये ए बी, मतलब ए डी अपॉन में ए बी भी लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन में ए सी भी लिख सकता हूँ। ये तो आपको पता ही था कि ए डी अपॉन में डी बी तो लिखते ही हैं, दो पैरेलल लाइंस हो तो, यहाँ भी ए ई अपॉन में ई सी तो पता ही था लिखते हैं। लेकिन यहाँ से ये चीज़ जो मैंने अभी की है आपके सामने, इससे आपको ये पता चलता है कि ए डी अपॉन में टोटल ए बी भी हो सकता है या नहीं, और ए ई अपॉन में ए सी ई सी, ए ई अपॉन में ए सी ये भी हो सकता है। यहाँ से भी देखो हमने करके देखा, वही सेम क्वेश्चन के लिए इक्वल आ रही है रेशो, यहाँ भी इक्वली रेशो आ रही थी। वो अलग बात है, रेशो नहीं है, वो तो अलग ही आएगी ना, क्योंकि यहाँ तो देखो आप लाइन ही जब ज़्यादा हो गई, सिक्स प्लस टू एट हो गई और ये थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व हो गई, तो वो तो अलग ही होगा, लेकिन है तो इक्वल ना, मेन बात इक्वल वाली है। तो देखो यहाँ भी इसमें यही चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना, अब ए एम बाई ए बी करना है, ए एन बाई ए डी करना है। तो अब मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कौन सी लगाऊंगा यहाँ से, जैसे इसमें की थी आपने ए डी अपॉन में टोटल का ए बी, ए ई अपॉन में टोटल में ए सी, ये वाली लगेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है वो ऐसा ही करना है आपको, ए एम अपॉन में ए बी है पूरा, ना कि एम बी है। अगर एम बी होता फिर मैं वैसे ही करता, लेकिन यहाँ ए एम बाई ए बी है तो मेरे को उसी तरीके से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो प्रूफ में करते हैं। देखो फर्स्ट हम इन ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में आपको पता है एल एम जो है पैरेलल है किसके, सी बी के, ये आपको चीज़ क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन है तो बाई बी पी टी आप क्या लगाओगे इसमें, ए एम अपॉन में एम बी लगाते, क्या लगाते हैं, एम बी, लेकिन हमें क्या है ए एम बाई ए बी जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं ए एम बाई ए बी इक्वल टू, वैसे क्या लिखता मैं यहाँ, ए एल अपॉन में एल सी, अब क्या लिखूंगा, ए एल अपॉन में ए सी, क्या लिख रहा हूँ, ए एल अपॉन में ए सी। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कहाँ से आई है ये, बाय बी पी टी, क्लियर। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कंसिडर कर लो, इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ए डी सी कंसिडर करोगे और इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो अगर ये चीज़ गिवन है तो आप कैसे करोगे आप इसमें, बताओ, ए एन अपॉन में दिस ए एन अपॉन में पूरा ए डी लिखोगे यहाँ, ना कि एन डी लिखोगे। ठीक है, और यहाँ ए एल अपॉन में टोटल क्या लिख दोगे, ए सी लिखोगे। ये भी कहाँ से आई आपके पास, बाय बी पी टी, क्लियर इतनी बात। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, और इस वाली को सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देख लो इसमें, यहाँ पर क्या है ये आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो रही है, इक्वल, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगी, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी हो जाएगा कि नहीं। तो बस यही करना है आपको,
ए एम बाई ए बी इक्वल आ गया किसके, ए एन बाई ए डी के। ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी आ गया, क्यों, क्योंकि ए एल और ए सी ये क्या है, दोनों में सेम है। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। बताओ ईजी है कि नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था ये पार्ट। क्लियर, ओके, थैंक यू।